ये बड़े दस्तरखान करने का कॉन्सेप्ट है और यही ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो हाँ ये भी एक दस्तरखान है। जुम्मतुल विदा है और आज यहाँ पे है बीफ बिरयानी और साथ चने वाली बिरयानी। पूरा रमजान जो है चलता है? हाँ, जब तक चांद का ऐलान ना हो जाए तब तक नहीं। तकरीबन 1000 से 1200 लोगों की डेली यहाँ पे इफ्तार की कराई जाती है। थाल में बीफ बिरयानी है और बीफ बिरयानी के साथ है खजूरें हैं। उसका प्लेटर डायनासोर का रह गया था। अब जो है मुझे और बीफ बिरयानी को खाने से कोई नहीं रोक सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाल में दोस्तों हम लोग आज मौजूद हैं जिना कार्डियो में और यहाँ आपको बताया कि हर साल मुबीन भाई जो हैं कई सौ लोगों को अफ्तारी कराते हैं और पूरा रमजान कराते हैं। तो आज जुम्मे का दिन है, हम लोग यहाँ पर इनके साथ अफ्तारी करने आए। चल के देखते हैं कि अफ्तारी कैसे होती है, क्या इंतजाम होते हैं, क्यों ये पूरा महीना यहाँ पे अफ्तारी कराते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। हम लोग हैं मुबीन भाई के साथ। मुबीन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बाबर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुबीन भाई हर साल की तरह माशाल्लाह इस साल भी आपने जो है इफ्तारी का भरपूर इंतजाम किया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक सिलसिला चल रहा है यार ये, और कराची का ट्रेडिशन है और पाकिस्तान ओवरऑल मुस्लिम कंट्रीज में आप देखो ना, मदीना में भी कितनी लंबी लंबी इफ्तारियां लगती है। सो इफ्तारी ये गैदरिंग जो होती है ना, ये हमारा ट्रेडिशन है। ये घरों का नहीं है इतना कॉन्सेप्ट कि घरों में बैठ के खा रहे हो, तो ये बड़े दस्तरखान करने का कॉन्सेप्ट है और यही ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो हाँ ये भी एक दस्तरखान है। तो कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? यार ये 2017 से कर रहे हैं, तो आज तकरीबन 8 साल हो गए। 8वां साल है ये। 8वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा रमजान जो है चलता है? हाँ, जब तक चांद का ऐलान ना हो जाए तब तक नहीं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो है ना 29वें रोजे तक का इंतजाम करें और जो 30वां रोजा होता है वो हमारे लिए भी सरप्राइज होता है, तो वो हम रात के टाइम हम लोग इंतजाम करते हैं। तो कितने लोग कमोपेश जो है इसमें रोज आप अफ्तारी करवा रहे हैं यहाँ पे? यार तकरीबन जो हमारे पास इंतजाम है ना उसमें कम्फर्टेबली 1000 से 1200 लोग आराम से खा सकते हैं पर डे। तो हमारे पास स्टाफ जो होता है यहाँ का NICVD जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्टाफ भी होता है, ग्राउंड स्टाफ भी होता है, ये आके लेकर जाते हैं। ये जाहिर सी बात है दस्तरखान पे अगर ये लोग बैठेंगे ना फिर हमारे पास जगह नहीं, कम पड़ जाएगी। तो जो यहाँ पे तकरीबन 800 से 1000 के करीब यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं और तकरीबन 200 से 300 के करीब वो लेकर चले आते हैं। वो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में, आप देखिएगा कि क्या सिलसिला। आज फ्राइडे है और जुम्मतुल विदा है। बिल्कुल। तो आज कुछ खास रखा हुआ लोगों के लिए? यार देखो तुम्हारे कंटेंट के लिहाज से यहाँ कोई बिगेस्ट प्लेटर तो नहीं है यहाँ पे, अलबत्ता हम लोगों ने मेन्यू ये चेंज किया है। आज की जो बिरयानी है वो है बीफ, मगर एक हमने चना भी कराई क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जाहिर जो नहीं खाते बीफ, तो ये दस्तरखान तो सबके लिए है भाई, हमने किसी से पूछ रहे आप कौन हो, तो इस वजह से हमने एक जो ना एक चना बिरयानी रखी, बाकी सब आज हमारा मेन्यू चेंज है। वैसे चिकन होती है हमारे पर डेली, बट आज बीफ है। तो सही हो गया भाई, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। बीफ है तो फिर हमारा जो देखने वाला उधर कैमरा मैन है बिहाइंड द कैमरा, वो बीफ नहीं खाता लेकिन हम खाते हैं बीफ। नहीं, इसके लिए फिर चना बिरयानी है। तुम चना खाना चना खाना सही है भाई। चना भी हमारी सबसे गोश्त से अच्छी होती है, चना गोश्त से अच्छी होती है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और चलते हैं और देखते हैं सारे इंतजाम देखते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे अब हो रहा है पानी का इंतजाम, आप देख सकते हैं ये सबके लिए मिनरल वाटर की यहाँ पे बोतलें रख दी गई है और यहाँ पे लाइन लग चुकी है और यहाँ बन रहा है शरबत रूह अफजा। ये देखें जी रूह अफजा तैयार किया जा रहा है, सब आ चुके हैं यहाँ पे। अभी होगी थोड़ी देर में, आज है खास जो है जुम्मतुल विदा है और आज यहाँ पे है बीफ बिरयानी और साथ चने वाली जो है बिरयानी, आज आपको वो यहाँ पे दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन उसकी। कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? तबीयत सही है आपकी? इतना बड़ा हाथ है आपका, मुझसे ही बड़ा हाथ है। चले जी, ये माशाल्लाह से मुबीन भाई और ये सब उनकी टीम का हिस्सा है और यहाँ हमारे बाबा। बाबा कैसे हैं आप? बाबा आपके संजय दत्त से बड़े इंस्पायर थे क्या, ये बताइए आज? नहीं बाबा, ऐसे ही दोस्तों में नाम पड़ गया। आपका असल नाम क्या है? मुदब्बर जिया। मुदब्बर जिया। जिया माशाल्लाह, इतना आपका लंबा नाम है ना, तो इसलिए उसको शॉर्ट करके दोस्तों ने बाबा कर दिया। और माशाल्लाह ये देखें जी, आप कैसे हैं भाईजान? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? शफीक नाम है। शफीक भाई जी। शफीक भाई माशाल्लाह आप जो है हीरो हैं मुबीन भाई के चैनल में और आपको हम बड़ा पसंद करते हैं और बड़ा लाइक करते हैं। आप क्यों नहीं आए उस दिन गवर्नर हाउस?
नहीं, असल में मैं मार्केट गया हुआ था, मेरा ड्यूटी का टाइम था और अच्छा। इन्होंने मुझे खैर बताया भी नहीं था। अच्छा बताया भी नहीं? बताया तो नहीं था, खैर मैं आ भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा टाइम था। अच्छा तो बताया नहीं, मेरा बात ही जाया जाती ना बोल के, बात ही नहीं करते जो जाया जाए। वैसे तकल्लुफ पूछ लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं पूछा, अलग बात है। आपको जानते हैं तो हमें तकल्लुफ की जरूरत नहीं आपके साथ। चलो आज ये बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और टाइम भी जो है तकरीबन कमोपेश आधा घंटा रह गया है। खुशबू इसलिए आ रही है भाई, बिरयानी आ चुकी है और आई है अल्लाह वाले से। अल्लाह तो ये अल्लाह वाले से हमेशा क्यों मंगवाते हैं आप लोग बिरयानी? बहुत सारी सहूलतें हैं, करीब है। अच्छा सर्विसेज इनकी अच्छी हैं, ऑन टाइम पहुंच जाते हैं, कोई कंप्लेन होती है उस पर भी थोड़ा बहुत। और इनकी बिरयानी होती ही बहुत अच्छी नहीं, और कभी जैसे टॉप 10 बिरयानी में से आती है कराची की। मैं वही चीज खिलाते हैं जो हम खुद खा सकते हैं। मैं तो टॉप 5 में मानता हूँ मैं तो जी। जैसे कभी होता है कि अगर जैसे हमें अर्जेंट देख की भी जरूरत होती है तो उनको यहाँ से फोन कर देते हैं, आ जाती है। अरे जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह वाले को बेहतरीन बेहतरीन। बस तैयारी है, तैयारी है, आ जाए। तैयारी हो गई, काम शुरू हो गया ना, काम शुरू हो गया भाई, आ जाए। टाइम करीब आ गया है और टाइम करीब आते ही जो है यहाँ पे लाइन लग गई है। ये सारा स्टाफ जो है ये कार्डियो का स्टाफ है सारा, और यहाँ पे देखें सारे गार्ड भी हैं, सारे अंदर के जो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये जो है ना, क्योंकि यहाँ पे बैठने की लिमिटेड लोगों की जगह है, तो तकरीबन 1000 से 1200 लोगों की डेली यहाँ पे इफ्तार की कराई जाती है। तो ये भी मैं अभी पता करता हूँ कि अगर किसी को इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करनी है तो वो कैसे कर सकता है। वहाँ पे शरबत की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सारी बिरयानी की लाइन लगी हुई है। तो अभी जैसे ही बिरयानी आती है तो मैं इंशाल्लाह खा कर बताऊंगा कि बिरयानी कैसी है। भूख भी बहुत लगी है आज वैसे। और वहाँ हमारे भाई बैठ गए बिरयानी के उसमें। ये देखो ये भाई दो दो बोतलें लेके बगल में खड़े हुए माशाल्लाह से। एक जो है इनके लिए, दूसरी बोतल पता नहीं किसके लिए। अब यहाँ पे जो है थाल भरने शुरू हो गए और अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है वो शुरू हो गया है। खजूरें निकल के आ गई हैं और यहाँ पे देखे माशाल्लाह से थाल है, थाल में बीफ बिरयानी है और बीफ बिरयानी के साथ है खजूरे हैं। वहाँ सामने बाबा हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं। अच्छा भाई यहाँ पे अब सब लोग बैठ चुके हैं माशाल्लाह, इफ्तारी के लिए जो है कतारें लग गई हैं, सब जो है थाल लेके बैठ गए हैं माशाल्लाह से। इधर इधर खवातीन की लाइन है सारी, ये पूरी लाइन, और यहाँ ये सारी, ये 1, 2, 3 ये सारी जो है मर्दों की लाइन है पूरे एंड तक। और जो बाकी स्टाफ है वो अंदर हॉस्पिटल में अपना अपना हिस्सा लेके जा चुका है। फिर हम अब बैठते हैं और फिर अपनी इफ्तार करते हैं। 1-2 मिनट ही रह गए बस, इफ्तार का वक्त हो गया है भाई। और खजूर पकड़े फटाफट और इफ्तार करें। ये लो भाई पानी पिला दो। अब जो है मुझे और भी बिरयानी को खाने से कोई नहीं रोक सकता। पानी मंगवाया, जैसे पानी आ जाए पानी पीते हैं सबसे पहले और फिर इंशाल्लाह ताला बीफ बिरयानी खाने का आगाज करते हैं। पानी ले आया, वहाँ से गया है भाई। भाई सब लोगों ने इफ्तारी कर ली है, मुबीन भाई ने पता नहीं की नहीं की। मुबीन से पूछा, मुबीन भाई आपने इफ्तारी कर ली नहीं करी? आए ना प्लीज, बिस्मिल्लाह करें और ये लें रायता डालें। ऊपर डाल दूं? डाल दो कहीं भी डाल दो। ये लें जी, रायता डालें फैलाएं। रायता फैला दिया हमने, ये देखो ये फूड रिव्यू भी चल रहा है। फूड रिव्यू फुल गोश गला हुआ है आजकल। आप फूड रिव्यू बहुत कम कर रहे हैं, क्या वजह इसकी? यार सेहत देख लो, अब थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं हम, रमजान में करेंगे इंशाल्लाह। करें करें बिल्कुल करें यार। ये अल्लाह वाली की बिरयानी को आप क्या मानते हैं, इसका क्या नंबर देते हैं? यार अगर नहीं मानते तो यहाँ स्टार ड्राइव पे कैसे चल रही होती? हमें अच्छी लगती है जाहिर सी बात है, और ये आपको भी पता, आप भी वहीं के रहायशी हो, कमाल है। तो कभी घर में तकलीफ होती तो आप यही मंगवाती, ज्यादातर यही होती है। हमने सोचा कि यहाँ दस्तर खान पे भी यही करेंगे। जबरदस्त बेहतरीन हो गया भाई बिरयानी है ना अल्लाह वाली की, कमाल है कमाल। लेकिन मैंने नहीं ट्राई की ना, ट्राई करें। अभी सबने खा लिया, हम मुबीन भाई और मैं जो है लग गए इसको फोड़ने में लग गए। लेकिन ये बिरयानी जो है ना भाई कराची से कमाल, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, ये तो चैलेंज है। क्या कहेंगे आप इस? लोग अक्सर कहते हैं कि ये आप रोज रोज बिरयानी कैसे खाते हैं, रोज रोज कैसे खा लेते हैं? तो कराची वालों से ये सवाल नहीं पूछा जाए भाई। ये साथ साथ अभी आगे मुबीन भाई ने बोला था चने की भी आप खाएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। बेहतरीन है मुजम्मिल, तुम्हारे लिए बहुत कमाल है बेटा। बीफ की तरह बिल्कुल नहीं आना, चने पे जोड़ दो तुमने। असल में इसको प्लेटर घिला घिला के, इसका प्लेटर उसका प्लेटर, डायनासोर का रह गया था। अब वो बेचारे को गोश्त से एलर्जी हो गई है। गोश्त से वो चना खा रहा है, उसके लिए तुमने बड़ा गलत किया। इतना हिलाया गोश्त की, अब जो है ना गोश्त से फुल हो गया है बॉडी, बोल रही है गोश्त करीब से ना गुजरे। चल बेटा तू चना खा और हम जो है बीफ खाते हैं। बिरयानी जो है ना भाई
चिकन की भी है, आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो मजा बीफ का है ना, कमाल है, मजा ही आ गया आज मुबशर पुत्र, मजा आ गया। इस वक्त हमारे साथ जो है ना मुस्तफीम भाई मौजूद हैं, हकीम मुरसलीन फाउंडेशन के डॉक्टर मुकीम। तो अभी बकौल इनके भाई कोई तोहफा लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता, तो कह रहे यार अपनी टीम को जरा बुला रहे, कोर टीम शफीक भाई बाबा को, आई हैव नो आइडिया। भाई आप लोग मुबीन और आपकी टीम बहुत जबरदस्त माशाल्लाह काम कर रही है, और इस बाबरकत रात में शब कदर होने वाली है, और इन सब चीजों में आप लोगों के बाबरकत महीने में एक खास तोहफा सऊदी भाई साहब की तरफ से और हकीम मुरसलीन फाउंडेशन की तरफ से एक उम्रे का पैकेज है आपकी किसी एक मेंबर के लिए, तो वो ये मैं अनाउंस करने आया था। इसमें पूरा एयरफेयर, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सारी चीजें इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट फूड वगैरह नहीं है इंक्लूडेड, मगर सारी चीजें इंक्लूडेड है, और वो आप लोग जाएंगे, आप लोग नहीं बल्कि आप में से एक भी जाएंगे, वो हज, ये हज आने वाला है, इसके बाद जाएंगे, तो वो मुबारक सादत जो है वो आप में से जो लेने वाले हैं वो है मिस्टर शफीक साहब। अरे मुबारक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। भाई को उम्रे का माशाल्लाह पैकेज मिला अभी, तो थैंक यू भाई, सऊदी भाई का थैंक यू करो, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, दुआओं में सबको याद रखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह भाई हज के बाद शफीक भाई जा रहे हैं उम्रे में, तो भाई यही बरकत है, गरम गरम बिरयानी ऐसी थोड़ी लग रही थी, तो रिवॉर्ड मिला ना उसका। हाँ भाई तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो के हम लोगों ने जिना कार्डियो से बनाई, जिसके अंदर मुबीन भाई ने माशाल्लाह और इनकी टीम ने मिलके ये 8 सालों से इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, और लोगों को अफ्तारी करा रहे हैं, और हमने भी आज इसमें शिरकत करी है, और आप लोगों को दिखाया कि इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, और हर साल होता है। अगर आप लोगों को भी इसमें कंट्रीब्यूशन करनी है तो आप लोग डायरेक्ट जिना कार्डियो कराची में आ सकते हैं, और इसकी पार्किंग के अंदर इनका सारा यह सेटअप, इसको देख भी सकते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं अगर कोई किसी को खिलाना चाह रहा है। बाकी ये कि वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।